इस नैनीताल का वेदर तो ऐसा ही है, कभी धूप निकल जाती है बहुत तेज, कभी बादल हो जाते हैं, कभी बारिश हो जाती है। हमने अभी अभी देखा कि यहाँ पे कैंप भी है दिया है और हम लोग जा रहे हैं नैनीताल। इतने सारे बाइकर्स हैं यहाँ पे, ये देखो। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो कैसे आप लोग, मेरे को वैसे बहुत दिन हो चुके हैं कैमरा उठाए हुए, बिकॉज थोड़ा सा ऑफिस का काम था तो इसलिए मैं इस काम में फंसा हुआ था। तो अब मैं फ्री हो चुका हूँ और हमने एक ट्रिप भी प्लान कर दिया है और हम लोग जा रहे हैं नैनीताल जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, पापा जा रहे हैं और ये भी जा रहा है उज्ज्वल, और मम्मी जा रही हैं। हम चारों पूरी फैमिली जा रहे हैं। पहले हम लोग जाएंगे यहाँ से बरेली। बरेली में दीपिका है, मेरी सिस्टर है, तो सिस्टर के पास जाएंगे हम पहले और फिर वहाँ से उसको पिक करके फिर वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाएगी, फिर वो भी हमारे साथ जाएगी नैनीताल। चलो चलते हैं, बहुत ही मस्त ट्रिप होने वाला है, सो बने रहें इस वीडियो में। चलो चलो गाइस, जल्दी बैग वैग उठाओ, गाड़ी में चलो। मैंने जूते पहन लिए, हम गाड़ी पहला तो गाड़ी धोने वाला भी नहीं आया, गंदी हो रखी है, मिट्टी उठ के लग गई इस पर, तो हल्की फुल्की बारिश से भी हुई थी। चलो जल्दी, लेट पे लेट कर जा रहे हो, 7:30 हो गए। निकल चुके हैं अब हम लोग घर से। सुबह सुबह निकलने का फायदा थोड़ा कम जाम मिलता है, पर हम लोग लेट हो ही चुके हैं। क्या टाइम हो रहा है, 7:30 हो चुके हैं, है ना, 7:40 के आसपास, 7:50 हो गए, हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। चलो जल्दी जल्दी निकलते हैं, मिलते हैं रास्ते में। हम आउटर रिंग रोड पे, तो कैसा लग रहा है मम्मी? अच्छा लग रहा है, ठंडी हवा, मौसम अच्छा है। उज्जवल बैठा है, सही है, मौसम भी बहुत अच्छा है ना, बहुत बढ़िया मौसम है, एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो गया है सुबह सुबह, रात को बारिश हो गई इसलिए। हम जा भी नैनीताल ही रहे हैं, यहाँ पे भी मौसम ठंडा, वहाँ भी मौसम ठंडा। हेलो, हाय, ठीक है गाइस, ट्रक ऊपर ले आए हैं, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, इसकी वजह से थोड़ा सा जाम लग रहा है, ठीक है। आईपीएल टावर से लग रहा है ना, वही है आईपीएल टावर ही है, ये भी बना है इस साल, ये सिग्नेचर ब्रिज है, वो सिग्नेचर ब्रिज, हां 4-5 साल हो गए इसको मुझे। हां आप दिल्ली में आए चाहे दिल्ली से जाएं, आपको जाम ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना सारा जाम लग रहा है और सुबह के 8 बज रहे हैं अभी, तो 8:19 हो रहे हैं बस, इतना जाम, बहुत ही ज़्यादा जाम हो रहा है। ये तो दिल्ली की खासियत है कि आप दिल्ली में आए और आपको जाम ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये देखिए कितना सारा जाम है, हम लोग यहाँ से दिल्ली से निकल रहे हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं जबकि तब भी इतना जाम है, बहुत ही ज़्यादा, इसकी वजह से लग रहा था ये जाम पूरा, ये पलटा हुआ है जो घास फूस जाती है, हाँ भूसा, भूसे का ट्रैक्टर पलट गया है पकड़ना। हमारा फर्स्ट रिफिल होने के लिए आ गया है, हम लोग आ गए हैं सीएनजी पंप पे, और आप लोगों ने सुना होगा जागरूक जनता, जागरूक जनता तो ठीक है, ज्यादा ही जागरूक जनता, वो देखो ये अंकल उनसे लड़ाई कर रहे हैं कि वो लीवर को पकड़ रहा है बार बार और बंद कर रहा है, ऐसे कैसे चोरी हो जाएगी यार। ठीक है जागरूक हो सही है, पर फालतू में सुबह सुबह दिमाग ख़राब कर रहे हो, अपना भी दूसरे का भी, ये तो गलत है। मेरे को तो लग रहा है कि वो चोरी वोरी कर रहा होगा, पर फिर भी दिमाग का वहम, वो बहस कर रहे हैं अंकल सुबह सुबह, ऑफिस जा रहे थे अच्छा खासा, चले जाते।
भैया ने विंडो भी विंडशील्ड भी साफ कर दी एकदम चकाचक, पीछे वाली हो रही है, अब सही व्यू आएगा एकदम क्लियर। सो हमारी विंडो क्लियर हो गई है एकदम, और हमारे साथ एक मॉडल जुड़ चुके हैं, मिस्टर मॉडल। नेशनल हाईवे पे एंट्री हो गई है हमारी, हम यहाँ से सीधा हापुड़ से होते हुए सीधा बरेली। ठीक ठाक मौसम है, बारिश मतलब बारिश का तो कोई आसार नहीं है, धूप निकल रही है, बादल भी हो रहे हैं थोड़े बहुत, पर हवा ठंडी चल रही है मस्त। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, पापा पीछे बैठ गए हैं, मॉडल जी आगे बैठ गए हैं। ये भी चश्मा लगाएगा, अब हीरो बनेगा ये भी चश्मा। ये भी चश्मा लगा लिया हमने भी। बताइए चश्मा कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइए हमें ये चश्मा कैसा लग रहा है। उज्जवल पहन रहा है, ये वाला कैसा है उज्जवल? जल्दी पहन, ये उज्जवल ने पहन लिया है। अब उज्जवल का अच्छा लग रहा है कि मेरा अच्छा लग रहा है, कमेंट करके बताओ मैं। अक्षरधाम, ये अक्षरधाम। अब यहाँ से हम नेशनल हाईवे से होते हुए सीधा मेरठ हाईवे है वैसे ये, पर यहाँ से हम पहले जाएंगे हापुड़ की तरफ, रास्ता कट रहा है उस रास्ते पे जाके सीधा वो जाता है बरेली। आजकल गाइस ये ट्रेंड बन चुका है बाइक पे घूमने का, ये देखो पूरा ग्रुप जा रहा है बाइकर्स का। एक बंदा ये रहा, देख रहा है ये आगे पूरा ग्रुप जा रहा है इनका, पीछे भी कम से कम नहीं तो 20 बाइकें हैं, है ना, 10-20 बाइकें तो है ही, पूरा ग्रुप जा रहा है। सही है, मजे आते होंगे इनको भी, ट्राई करेंगे कभी जब हम मिलेंगे रॉयल एनफील्ड बाइक लेंगे फिर ट्राई करेंगे ऐसे बाइक पे जाने का। चल चलेगा तो चलेगा ना, चलो। कितने सारे बाइकर्स हैं यहाँ पे, ये देखो सारे पूरा ग्रुप जा रहा है, सारी रॉयल एनफील्ड बाइकें हैं। सही है, नैनीताल जा रहे होंगे सब। गाइस गंगा जी आ गए, गड़गंगा ट्रेन जा रही है। गाइस गड़गंगा आ गए हम लोग, अब यहाँ से हम जल्दी मुरादाबाद पहुँचने वाले हैं, बस 50 किलोमीटर रह गया है, 70 ये तीसरा टोल है मेरे ख्याल से। और अब हम रुके हैं किसी ढाबे पे, थोड़ा कुछ खा लेते हैं, भूख भी लग रही है, थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं, बहुत देर से बैठे हुए हैं। 150 किलोमीटर करीब हमने कवर कर लिया है पूरा, और जो उनको भूख भी लग रही है बहुत तेज, इसलिए अब यहाँ रुकना ज़रूरी है। जल्दी इस टोल को पार करते हैं फिर रुकते हैं कहीं पे। जोया कौन सा एरिया है, मैंने सुना ही नहीं कभी। नहीं वैसे नाम रख दिया होगा अपनी मर्जी से, क्यों जलते को क्या लगता है? हाँ यही लगता है, यही क्या अपनी मर्जी से रखा, अपनी मर्जी से रखा हुआ है ना, एरिया थोड़ी था, एरिया होता तो यहाँ पे कहीं पे लिखा होता जोया, जोया पोर होता कुछ ना कुछ तो होता। गाइस हम लोग आ गए हैं ढाबे पे, साई फैमिली, क्या ये साई फैमिली टूरिस्ट ढाबा, साई फैमिली टूरिस्ट ढाबा पे रुके हम लोग। जल्दी से कुछ खाते हैं, थोड़ा स्ट्रेचिंग ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। टाइम हो गया है 11:21 हो गए, पूरा 180 किलोमीटर कवर कर लिया, 190 किलोमीटर के अराउंड हमने कवर कर लिया है। चलो जल्दी से रेस्ट करते हैं और थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं फिर चलते हैं आगे। टायर बढ़िया है अपने, भाई साहब गरम नहीं, गरम तो नहीं हुए जाना। गाइस हमने खाना मंगा लिया है पर खाना तो आया नहीं, प्लेटें आ गई पहले, खाली प्लेटें सजा के हम बैठे हुए हैं। यहाँ पे रोड क्रॉस करके वहाँ पे वो ट्रेन निकलती है इधर से, यहाँ पे ट्रेन का ट्रैक है, अब यहाँ से ट्रेन निकलेगी दोबारा निकलेगी तो दिखाएंगे आपको।
ये देखो गाइस ये जा रही ट्रेन, ये आ गया हमारा खाना। उज्जवल से रुका नहीं गया तो उसने शुरू कर दिया है खाना। चलो जल्दी से खा के फिर मिलते हैं आपको। आ गए वापस गाड़ी में, अब चलो निकलते हैं। तो कैसा लगा खाना? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खाना था ना। चलो अब गाड़ी में आ गए, चलो निकलते हैं फिर अब यहाँ से। कैसा था? अच्छा सिंपल और बेस्ट। अच्छा सिंपल और बेस्ट। चलो कैसा लगा उज्जवल? अच्छा, तभी रुक नहीं रहा था। मेरे को तो अच्छा लगा क्योंकि लेट कर रहा था ना वो। और कहा था उज्जवल नहीं रुकवाया हमें, उज्जवल का ही डर था हमें। चलो चलते हैं धीरे धीरे। उज्जवल अभी चला। बहुत बुरी चीज है ऐसे गिर जाते लोग खड़े खड़े। दारू पीना खतरनाक है, दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक है, आप खड़े खड़े गिर सकते हैं। गाइस ये आ गया चौथा टोल और गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। अब बड़ी जैसे कैमरा ऑन किया है वैसे ही आगे बढ़ी। वेट कर करके दिमाग खराब हो गया। चल पड़े भाई साहब ने चश्मा बदल लिया है अपना। और हीरो ठीक है? ठीक है। ओए चल पड़े क्या नगर दोगे तो डबल लेंगे। हाँ ये तो ही पेड़ काट रहे हैं रामपुर में। गाइस हम लोग आ गए हैं रामपुर, और रामपुर में मम्मी बता रही है कि यहाँ पे चाकू बनते थे पहले, बनते थे अभी भी बनते हैं शायद, आपका पता नहीं, पर रामपुर में बनते थे चाकू। आपने भी सुना होगा पिक्चर में, अमिताभ बच्चन की पिक्चर में बोलता नहीं है रामपुरी चाकू, रामपुरी चाकू रामपुरी, तो ये वही रामपुरी है। ये तो रामपुर है, पुरी थोड़ी ना। रामपुर, रामपुर का चाकू फेमस होता है बहुत ज्यादा। 11 किलोमीटर रह गया बस रामपुर। केले, केले के पेड़ पे केले, इतने सारे केले लटक रहे। पीपल के पेड़ में केले। गाइस हमने लिया एक स्टिंग ब्रेक क्योंकि अब खाना खा लिया है, पेट भर गया है, दोपहर हो रही है, नींद आ रही है बहुत तेज। स्टिंग पियेंगे, इसके अंदर कैफीन होता है तो नींद खुल जाएगी। उज्जवल ने क्या लिया? तूने क्या लिया अपने लिए? कुछ नहीं लिया, टका टकाएगा बच्चा है अभी। आप अगले बियर ले, बियर लेके उतरते हैं ना बियर। इनके सपने बहुत ज्यादा बड़े हो रहे हैं, अब देखो मम्मी। चलो गाइस टैंक पी ली, चलते नींद खुल गई, थोड़ा अच्छा लग रहा है। कुरकुरे खा रहे हैं, चलो पहुंचने ही वाले हैं वैसे तो। टाइम कितना हो गया? 12:55 हुए, जल्दी चलते हैं यार। अभी अभी आया पांचवा टोल, और यहाँ पे तो वर्थ इट है टोल पे करना क्योंकि रोड बहुत अच्छी अच्छी हैं सारी, बिल्कुल स्मूथ रोड है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हुई, बहुत सही चल रही है गाड़ी। तो यहाँ पे तो वर्थ इट है, पर फिर भी मतलब बहुत महंगे महंगे हैं। ये वाला 155 रुपये का टोल है, इससे पहले वाला 140 का था, मतलब कुल मिला के 700 रुपये के आसपास तो टोल लग ही जाएगा। गाइस ये कैसा नंबर है गाड़ी का? स्टार्टिंग में 23 है। हाँ पुलिस वाले हैं सारे। स्टार्टिंग में 23 है, फिर BH है, ये अलग तरह की नंबर प्लेट दिखी, प्लेट आ जा रही है ब्लैक कलर की उसकी। कि ऊपर जो बोर्ड लग रहे हैं ग्रीन वाले, उसके अंदर कम दिखा रहा है डिस्टेंस, जो बरेली का यहाँ से है वो कम दिखा रहा है, 19 दिखा रहा है। और ये जो यहाँ पे माइलस्टोन मतलब ये स्टोन से लगे होते हैं, देखिए ये देखिए इसमें 25 दिखा रहा है, तो अब किसको माने? ऊपर वाले कम दिखा रहे, नीचे वाले ज्यादा दिखा रहे। अब ये देख फिर से आ गया, देखो कितना है, इसमें बरेली नहीं लिखा हुआ। उसके बारे में अगर आपको
बताओ गाइस किसको माने, आप कमेंट करके बताओ कौन सा सही है, ऊपर वाला बोर्ड ज्यादा सही है कि नीचे वाला। रास्ता भटक से गए क्योंकि उज्जवल ने बताया गलत रास्ता, ऐसे सुनसान से एरिया में लिया है हमें। गाड़ी चलाने में मजा आ रहे थे, मैं चलाए जा रहा था, निकल गए आगे, बहुत आगे निकल आए, देखते हैं वापिस जाते हैं। क्या वापिस जाना पड़ेगा और क्या, आगे बंद है रोड, देखो खत्म पकड़े। हम लोग आ गए घर पे और आके बैठ गए, रेस्ट कर लिया, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लिया। ये है दीपिका, जोर से बोल आवाज आ रही है। हाउ आर यू? चलो ठीक है, फिर इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, होप करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और हमारे जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे सपोर्ट करें। चलो मिलते हैं फिर ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।